हमारे जीवन की दशा और दिशा बदलने वाली चीज है शॉर्ट एनालिसिस। जय जयंती जय आदि शक्ति जय काली का पर्दिनी, जय मधुकैटव चलनी देवी जय महेश ही मर्दिनी, जय चामुंडी जय चंड मुंड भंडासुर खंडिनी, जय सुरत जय रक्त बीज विडाल बिहंडिनी, जय जय निशुंभ शुंभ दलनी भलिभूषण जय जय भननी, सर्जा समर्थ शिवराज कहे देहि विजय दे जग जननी, देहि विजय दे जग जननी। श्री आदिशक्ति तुर्जा भवानी। दोस्तों, 390 साल पहले की बात है, दक्खन पर राज करने वाली सल्तनत में काम करने वाले एक सिपे सलार का एक अदना सा बच्चा करियर की शुरुआत करता है एक छोटी सी जागीर से। 15 साल की उम्र में सुल्तानों के खिलाफ जंग का आगाज करता है, यलगार करता है और अपनी केवल 50 साल की उम्र में ऐसा यश कीर्ति प्रताप महिमा प्राप्त करता है कि अगर आज जागतिक इतिहास लिखने की नौबत आती है तो छत्रपति शिवाजी महाराज ये तीन शब्द लिखे बिना जागतिक इतिहास पूर्ण न हो पाएगा, ऐसी ताकत भारत में निर्माण कर दिखाता है। शिवाजी महाराज का ये चरित्र आज भी प्रेरणा देने वाली गंगोत्री की तरह हम सबके सामने खड़ा हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वप्निल और हम समझ रहे हैं स्वॉट एनालिसिस। जब दुश्मन को हरा ना सको और खुद की हार मंजूर ना हो तो एक ही रास्ता बचता है, सुलह। 11 जून 1965 पुरंदर की सुलह। ये तब की बात है जब औरंगजेब ने धोखे से छत्रपति शिवाजी महाराज को आगरा में कैद कर लिया। 22 साल मेहनत करके जो 40 किले उन्होंने जीते थे उनमें से 23 किले उस सुलह में देने पड़े। अब मात्र 17 किले बचे थे। जब शिवाजी महाराज आगरा से निकले उसके ठीक 2 दिन पहले यानी 15 अगस्त 1667 को जीजा माता ने एक किला जीत लिया था, वो 18वां किला था। उसके बाद शिवाजी राजा वापस आते हैं और 3 साल का ब्रेक लेते हैं। इन 3 सालों में शिवाजी महाराज ने क्या किया, आइए वो समझते हैं। 350 साल पहले शिवाजी राजा ने स्वॉट एनालिसिस किया है जिसे सिंहावलोकन भी कहते हैं। शेर जब 10 कदम आगे जाता है तो एक बार पीछे मुड़ के जरूर देखता है। SWOT, S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस। स्ट्रेंथ यानी अपनी मजबूतियां पहचाने कि मुझे क्या अच्छा दिया है भगवान ने। लोगों को आदत होते हैं बोलने की कि भगवान ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया, ऐसा हो नहीं सकता, कुछ तो अच्छी चीज जरूर दी है, उसे पहचाने, वही जिंदगी भर आपको स्फूर्ति देगी। लेकिन मोर इम्पोर्टेंट इज वीकनेस पहचाने। ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, कितने अवसर मेरे पास उपलब्ध हैं, मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ। टी यानी थ्रेट्स, हमें किस किस से धोखा है, सबसे बड़ा धोखा हमें खुद से होता है। इसका एक छोटा सा एनालिसिस करना पड़ता है। शिवाजी महाराज ने आइडेंटिफाई कर लिया था कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरे लोग ही मेरी स्ट्रेंथ है, मेरा सह्याद्री ही मेरी स्ट्रेंथ है और मेरी वीकनेस ये है कि मेरे पास अश्वदल नहीं है और वो मुझे खड़ा करना पड़ेगा। इन 3 सालों में महाराज ने क्या किया है दोस्तों, समझते हैं। 3 साल में 300,000 की सुसज्ज सेना खड़ी की, 200,000 अश्वदल और 100,000 पायदल, जिसे घोड़दल और पायदल भी कहते हैं। 22 साल लगातार मेहनत करके 17 किले जीजा माता जीतती है, वो 18वां किला। शिवाजी महाराज वापस आते हैं, 3 साल का स्वॉट एनालिसिस करते हैं, यानी 25 साल बीत चुके हैं। स्वॉट एनालिसिस के पश्चात 4 फरवरी 1670 तानाजी मालुसरे को भेज के कुन्हाना यानी सिंहगढ़ कैप्चर होता है, वो 19वां किला है। उसके बाद 8 वर्षों में छत्रपति शिवाजी महाराज दक्खन पर ऐसा तूफान खड़ा कर देते हैं कि 8 ही सालों में शिवाजी महाराज के पास 260 किले, 8 साल में 260, 25 साल में 19 किले कहा और 8 साल में 260 किले कहा। ये दिखाता है कि इंसान की ताकत अगर वो सोच ले तो वो क्या कर सकता है।